हेलो फ्रेंड्स आई होप यू आर डूइंग गुड आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ ये वीडियो है इथियोपिया में रहने वाली एक बोडी ट्राइब की जिस ट्राइब के समाज की एक खास बात है उनके बीच हर साल होने वाला एक कंपटीशन जो है सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने का कंपटीशन क्योंकि इस समाज में सबसे ज्यादा इज्जत ही उस व्यक्ति की होती है जिसका वजन सबसे ज्यादा हो बढ़ा हुआ वजन और बढ़ा हुआ पेट इस समाज में समृद्धि और निजी संपत्ति को दर्शाता है हर साल इस बोडी ट्राइब में इसके लिए एक कंपटीशन होता है और एक विजेता को चुना जाता है और जिसकी तैयारी के लिए वहां की मेल पॉपुलेशन पूरे दिन में सिर्फ दूध मक्खन और खून पीते हैं बार बार इस सिर्फ खून और दूध की डाइट को वो कई महीनों तक फॉलो करते हैं इस कंपटीशन को जीतने की आशा में इंडिया में भी 700 से ज्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं जो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की रफली 10 परसेंट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें से पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्लासिफाई किया जाता है और जिस पर प्रलिमिनरी 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इंडिया में प्रेजेंट 700 से भी ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स की अपनी अलग अलग विविधताएं हैं और जिनको कल्चरल एजुकेशनल और ग्रोथ सपोर्ट देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेफ प्रेजेंट हैं और गवर्नमेंट के भी काफी इनिशिएटिव्स एग्जिस्ट करते हैं

आपके आप पास प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है चाहे वो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो चाहे वो स्केड्यूल हो नोटमेकिंग हो या फिर इस एग्जाम प्रोसेस से जुड़ी कोई पर्सनल स्ट्रगल ही हो आप एनोनिमसली उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके आज की एडिशन में हम कवर करेंगे इंडिगो एयरलाइंस के अपने टिकटिंग प्रोसेस में यूज किए जा रहे डार्क पैटर्न्स को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडिया के गाजा इसराइल रेजोल्यूशन पर वोट एब्सटेंशन को मनरेगा स्कीम से रिलेटेड एक प्राइवेट रिपोर्ट को इलॉन मस्क की गाजा में स्टारलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने की अनाउंसमेंट्स को फिर हम एक एक्सप्लेनर पीस को कवर करेंगे जिसमें देश के 1300 पुलिस स्टेशन में डीएनए और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करने की बात की गई है ये आज की पहली न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स है डार्क पैटर्न ये डार्क पैटर्न का टॉपिक लास्ट मंथ भी न्यूज में था जब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इंडिया में ऑपरेट कर रहे ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए गाइडलाइंस इशू की थी कि वो अपने बिजनेस प्रोडक्ट्स में इन डार्क पैटर्न्स को यूज ना करें अब ये एक बार फिर से न्यूज में है जब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अपने पास आई कंप्लेन्स को एड्रेस करते हुए इंडिगो एयरलाइंस को बोला है कि वो अपनी फ्लाइट टिकटिंग प्रोसेस में इस समय प्रेजेंट डार्क पैटर्न को हटा दे अब इस पर और बात करने से पहले हम बात करते हैं कि डार्क पैटर्न क्या होते हैं एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं चांसेस हैं कि आपने कुछ ऑनलाइन खरीदा हो और चेकआउट करते समय आपके शॉपिंग कार्ट में ऑटोमेटिकली कुछ और एड ऑन हो गया हो जैसे कि एक्सटेंडेड वारंटी इंश्योरेंस वगैरह जिनको ओरिजिनली आपने सेलेक्ट नहीं किया था और फिर मैनुअली आपको उन्हें रिमूव करना पड़ता है और कुछ पॉपुलेशन तो ऐसा कर नहीं पाती और फिर वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर देती है ये एक डार्क पैटर्न का एग्जाम्पल है एक और एग्जाम्पल की बात करें तो काफी केसेस में ऐसा भी होता है कि यूजर्स के लिए किसी सब्सक्रिप्शन को परचेज करना काफी इजी होता है जैसे कि स्पॉटिफाई एमेजॉन या फिर किसी क्रेडिट कार्ड को पर जब वो उस सब्सक्रिप्शन को कभी फ्यूचर में कैंसिल करना चाहते हैं तो वो कैंसिलेशन प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स और लेंदी होता है आइडियली तो कैंसिलेशन प्रोसेस उतना ही सिंपल होना चाहिए जितना सिंपल सब्सक्रिप्शन को खरीदना था पर काफी केसेस में ऐसा नहीं होता यह भी एक डार्क पैटर्न का एग्जाम्पल है डार्क पैटर्न की डेफिनेशन की बात करें तो ये कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जिसको ऑनलाइन कंपनीज अपने यूजर इंटरफेस में चेंज करके अपने यूजर्स को मैनिपुलेट या ट्रिक कर सकती हैं ऐसा करने के लिए जो वो ओरिजिनली ना करना चाहते हों लीगल टर्म्स में ऐसा करना कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन है अब इंडिगो एयरलाइंस पर एलिगेशन है कि वो फ्लाइट टिकट बुकिंग प्रोसेस में टिकट खरीदने के बाद कंज्यूमर्स को कंफ्यूज करती है कि उनको अपनी सीट सेलेक्ट करने के लिए एक और पेमेंट करनी होगी नहीं तो वो अपनी फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाएंगे और उनकी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस इसी तरीके से डिजाइंड है कि कस्टमर को लगता है कि ये मैंडेटरी प्रोसेस है जबकि वो कस्टमर इन सीट्स को ऑलरेडी अपने टिकट में खरीद चुका है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अपने पास आई इन कंप्लेट पर एक्शन लिया है और इस प्रैक्टिस को एज साइबर क्राइम डिक्लेयर कर दिया है इंडिगो और बाकी और एयरलाइंस को है जो प्रिलिमिनरी में पूछा जा सकता है ये न्यूज है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से जहां पर हमास मिलिटेंट्स और गाजा के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट एक इमीडिएट ड्यूरेबल और ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया है मतलब गाजा बेस्ड हमास मिलिटेंट फोर्स और इसराइल के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द और स्थायी तौर पर रोक दिया जाए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट शांत हो और इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे सिविलियंस की मदद की जा सके इसके लिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया है कल इस रेजोल्यूशन का वोटिंग प्रोसेस खत्म हो गया है और इस रेजोल्यूशन को यू एनजी की एक सौ बीस ने सपोर्ट किया है चौदह ने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है और फोर्टी फाइव ने इस पर एब्सटेन किया है मतलब उन्होंने इस वोटिंग प्रोसेस को ना तो सपोर्ट किया है और ना ही इसको अपोज किया है अब ये न्यूज है इंडिया के कॉन्टेक्ट में जिसने इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया है इंडिया ने अपने एब्सटेंशन को जस्टिफाई किया है ये बोलकर क्योंकि इस रेजोल्यूशन में सात अक्टूबर को हमास के द्वारा किए गए अटैक्स की सीधे शब्दों में निंदा नहीं की गई है मतलब उन अटैक्स को नहीं किया गया है है इस इस वजह से उन्होंने रेजोल्यूशन पर वोट नहीं किया है। अब यूनाइटेड नेशंस और उसकी एसोसिएटेड बॉडीज एक मेजर टॉपिक है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से आपको यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री उसका चार्टर उसका पर्पज

आपको यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में भी पता होना चाहिए और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यह भी पता होना चाहिए कि काउंटर टेररिज्म इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक फंडामेंटल एजेंडा है ये सब डिटेल्स फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल पार्ट है और ये डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है यू कैन रेफर दम ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा को इम्प्लीमेंट करती है ये स्कीम फिलहाल फ्रीक्वेंटली न्यूज इवेंट्स में रहती है अपने शॉर्टेज ऑफ फंड्स के चलते और हम इस स्कीम से रिलेटेड इवेंट्स को काफी बार अपने एडिशन में कवर भी कर चुके हैं मनरेगा पर हम और बात करेंगे पहले इस न्यूज के इवेंट्स पर बात करते हैं इस मनरेगा स्कीम पर की गई एक प्राइवेट स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि इस साल के अप्रैल से सितंबर के बीच इस स्कीम के अंडर वर्कफोर्स में 7.5 परसेंट की कमी हुई है जहां इस पीरियड में इस स्कीम की वर्कफोर्स लगभग साढ़े पंद्रह करोड़ से घटकर 14.33 करोड़ हो गई है इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि हालांकि मनरेगा जॉब जॉब सीकर्स सीकर्स के नंबर में कमी आई है पर उन कम सीकर्स को मिलने वाले बढ़ गए हैं जिससे ये अंदाजा मिलता है कि मनरेगा जॉब्स की डिमांड ग्रो हो रही है अब बात करते हैं मनरेगा की मनरेगा को 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 हजार पांच के थ्रू लेजिस्लेट किया गया था ये एक सोशल वेलफेयर स्कीम है जो रूरल सिटीजन को राइट टू वर्क की गारंटी देती है इस स्कीम में हर किसी काम चाहने वाले व्यक्ति को 100 दिन काम मिलने की गारंटी दी जाती है और ये जॉब्स जनरली लेबर इंटेंसिव होती हैं जैसे कि रोड बनाना गड्ढे खोदना वगैरह अब ये स्कीम 2005 में लॉन्च की गई थी और एक एनालिटिकल प्रस्पेक्टिव से इसको देखा जाए तो आज 2023 में परिस्थिति 2005 से काफी अलग है जहां पर उस समय गवर्नमेंट का एक सोशलिस्टिक बैंड थोड़ा ज्यादा था वो इस गवर्नमेंट में काफी कम है ये फिलहाल गवर्नमेंट कैपिटलिस्टिक है और इस बात को ऑब्जेक्टिवली बोला जा सकता है इस गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज को देखकर इस करंट गवर्नमेंट की स्टेप्स को अगर देखा जाए तो वो ऐसी सोशलिस्टिक वेलफेयर स्कीम्स पर सिटीजेंस की डिपेंडेंस को कम से कम करना चाहती है गवर्नमेंट की कोशिश है कि सिटीजन स्पून फेड ना हो और उनको खुद काम ढूंढने और करने के लिए एम्पावर किया जाए ताकि वो कंट्री की वर्कफोर्स में और बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए हालांकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर किया गया एक एनालिसिस है गवर्नमेंट ने ऐसा कभी कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है मनरेगा की बात करें तो इस पर प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जाए इसके चांसेज ऑलमोस्ट जीरो है पर मेन्स में इस स्कीम पर आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा जाता तो आप इस स्कीम को अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं इन एनी केस आपको इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए नॉट जस्ट द डिटेल्स बट द रोल इट सर्व इन इंडियन सोसाइटी न्यूज है फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इलान मस्क और उनका एक अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने बोला है कि गाजा रीजन्स जो इस समय एक टोटल ब्लैकआउट में है वहां मदद कर रही ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी प्राइवेट कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स की मदद से इंटरनेट एक्सेस दिया जाएगा ताकि उनको उनके रिलीफ ऑपरेशंस में थोड़ी मदद मिले स्टारलिंक की बात करें तो ये एक प्राइवेटली ओन्ड सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है जो लो अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट उनके एक वास्ट सैटेलाइट नेटवर्क से दुनिया में कहीं भी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर सकती है इसको यूज करने के लिए केवल एक ग्राउंड टर्मिनल इक्विपमेंट की जरूरत होती है और ये एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है स्पेस रेस की इम्पोर्टेंस का स्टारलिंक कंपनी ने गाजा से पहले ऐसी ही मदद यूक्रेन में भी की थी और आप एज एन एनालिटिकल सिविल सर्विसेज सोचिए कि कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट में आप इजीली थर्ड पार्टी इंटरवीन कर सकती है हाँ फिलहाल कहा जा सकता है कि ये मदद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए है बट वी कैन नेवर बी श्योर कि फ्यूचर में ऐसे किसकी मदद की जाएगी फॉर इंस्टेंस जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल अगर इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को ब्लैकआउट करती है जैसे कि अभी रिसेंटली मणिपुर में किया गया था यह ऐसी सैटेलाइट सर्विसेज जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है इनकी मदद से उन रीजन में इंटरनेट को यूज किया जा सकता है और देखा जाए तो ये गवर्नमेंट की सोवरानिटी को एक डायरेक्ट थ्रेट है आप इस केस स्टडी को अपने मीन आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स ये आज का एक्सप्लेनर पीस है और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंटरनल सिक्योरिटी जिससे रिलेटेड एक मेजर बिल द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल को 2022 में पास किया गया था इस बिल ने पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एम्पावर किया था कि वो फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे कि रेटिना स्कैन फिंगरप्रिंट्स डीएनए वॉइस सैंपल्स को अपने डेटाबेस में कलेक्ट स्टोर और एनालाइज कर सकें और इसी बिल के इंट्रोड्यूस किए गए प्रोविजंस की मदद से अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि देश भर के सिलेक्टेड 1300 पुलिस स्टेशन में डीएनए और फेस मैचिंग सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा अब बात करते हैं द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 की कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था इस 2022 में इंट्रोड्यूस किए गए बिल ने एक ब्रिटिश एरा लॉ प्रिजनर्स एक्ट नाइनटीन को रिप्लेस किया है इस पुराने बिल में आइडेंटिटी के लिए सिर्फ फिंगर इंप्रेशन फुटप्रिंट इंप्रेशन और फोटोग्राफ लेने की परमिशन थी वो भी सिर्फ कुछ कैटेगरीज ऑफ सस्पेक्ट्स के लिए अब 2022 में इंट्रोड्यूस किए गए इस बिल में इन आइडेंटिफिकेशन प्रोविजन को और एक्सपैंड कर दिया गया है कलेक्शन सैंपल्स को आज की करंट टेक्नोलॉजी और समय के साथ इंट्यून कर दिया गया है इस पूरे प्रोसेस में नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो का क्या रोल है हम इसकी बात करते हैं नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक बॉडी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इस डाटा को कलेक्ट करें किसी और एजेंसी को जरूरत पड़ने पर उसके साथ इस डाटा को शेयर करें और ऑर्डर दिए जाने पर इन रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय भी करें इस लॉ में कलेक्ट किए गए डाटा को एक सेंट्रल डेटाबेस में एक साथ स्टोर किया जाएगा चाहे वो कलेक्शन इंडिया में कहीं भी हुआ हो इन रिकॉर्ड्स को पिछहत्तर साल तक प्रिजर्व रखा जाएगा और ये किस इक्विपमेंट की मदद से स्टोर किए जाएंगे इस डेटा का क्या फॉर्मेट होगा डेटा को हैंडल स्टोर और इंटीग्रेट करने का क्या प्रोटोकॉल होगा वगैरह इससे रिलेटेड एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बनाने का काम भी नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो का है अभी ग्राउंड स्टेटस क्या है इस पर बात करते हैं अभी इस समय देश में फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रेजेंट है फिंगरप्रिंट्स के इंप्रेशन के लिए नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम एन जिसको नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो एन मैनेज करता है इस फिंगरप्रिंट सिस्टम में

2022 में पास किया गया था उस समय इस बिल को ओपोजिशन की कई पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी ओपोज किया था इन ग्राउंड्स पर कि यह बिल सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है जैसे कि उनके राइट टू प्राइवेसी को और पार्लियामेंट में यह भी बोला गया था कि सेंसिटिव डाटा को सुरक्षित रखना यह इंश्योर करना कि यह डाटा लीक ना हो यह भी एक मेजर चैलेंज है और अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कॉन्वेक्ट को बरी कर दिया जाता है और जिस केस में उस व्यक्ति के पास राइट्स हैं अपने रिकॉर्ड्स को सेंट्रल डाटाबेस से डिलीट करने के उस केस में चांसेस हैं उस व्यक्ति को खुद एक लीगल प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़े और अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट करवाना पड़े और इस पीस में बात की गई है कि इस लीगल प्रोसेस में हर कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता अपने इकोनॉमिक और लिटरेसी लेवल के चलते जो कि एक चैलेंज है इस प्रोसेस से जुड़ा इस पीस में यह भी बोला गया है कि डीएनए कलेक्शन प्रोसेस को लेकर इस समय काफी एम्बिगुटीज हैं जैसे कि क्या एक पेटी क्राइम फॉर इंस्टेंस स्नैचिंग या चीटिंग के ऑफेंस में डीएनए को कलेक्ट किया जाएगा क्या ऐसे केसेस पर इस समय इस बिल में क्लैरिटी नहीं है दिट्स ऑल फॉर टूडे फ्रेंड्स सी यू ऑन ट्यूजे आई है हम्बल रिक्वेस्ट अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग इट इससे मुझे भी मनोबल मिलता है और चैनल की ग्रोथ को भी हेल्प मिलती है हैव अ गुड डे टेक केयर बाय